हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसी से आगे का स्टार्ट करते हैं जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा। तो लास्ट टाइम हमने क्या क्या करा था फ्रेंड्स, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शंस की प्रॉपर्टीज करी थी आपकी, और आपका हमने क्या करा था, एक्सट्रैक्शन करा था, फ्रैक्शनल मेथड और क्रिस्टलाइजेशन मेथड, आपका प्रेसिपिटेशन मेथड, और जो कि जिसमें प्रेसिपिटेशन मेथड और आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी से हमने एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला टॉपिक हमारा मैग्नेटिज्म। तो फ्रेंड्स मैग्नेटिज्म में क्या होता है, आपका मैग्नेटिज्म में क्या होता है, अगर मैग्नेटिक मोमेंटा निकालने को आए एल लेंथेनोइड एलिमेंट्स का, तो फ्रेंड्स हम सिंपल स्पिन वाला नहीं चलेगा इसमें, फॉर्मूला इसमें आएगा म्यू, अगर मैग्नेटिक मोमेंटा निकालने का तो म्यू इक्वल टू जी अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन, ठीक है फ्रेंड्स। जे क्या होता है, आपका कपलिंग कॉन्स्टेंट होता है। जे की वैल्यू अगर एल, अगर मोर देन हाफ फिल्ड है तो एल प्लस एस होगी, अगर लेस देन हाफ फिल्ड है तो फ्रेंड्स एल माइनस एस होती है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब जो जी आता है, जी क्या होता है, लीनियर फैक्टर होता है। जी की वैल्यू होती है आपकी 3/2, जी इक्वल्स टू 3/2 प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन अपॉन 2j इंटू जी प्लस वन, ठीक हो गया फ्रेंड्स। एस आपका स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, एल क्या होता है, ले आपका एल जो होता है आपका क्या होता है फ्रेंड्स, आपका लीनिक वो मैग्नेटिक मोमेंटा होता है, जो क्या होता है, एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एल हो गया आपका। तो फ्रेंड्स क्या होता है, अब ये मतलब इन जनरल लगेगा सारे लेंथेनोइड्स के कंपाउंड, सारे लेंथेनोइड्स के एलिमेंट्स पे, बट अगर हाफ स्पिन हो जाता है, अगर हाफ स्पिन सॉरी अगर आ जाता है हाफ फिल्ड, जैसे गैडोलिनियम प्लस थ्री, तो फ्रेंड्स उसमें आपका जी अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन वाला फॉर्मूला नहीं लगता, उसमें क्या लगता है फ्रेंड्स, आपका म्यू म्यू जो स्पिन ओनली वाला होता है, अंडर क्या होता है, म्यू इक्वल टू अंडर रूट 4s इनटू s प्लस 1, या s क्या होता है, s नंबर ऑफ स्पिन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अंडर रूट n इनटू n प्लस 2, n क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाता है, म्यू इक्वल टू 4f अंडर रूट 4s इनटू s प्लस 1, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे गैडोलिनियम प्लस 3 हो गया तो 4f7 हो गया, तो क्या हो गया आपके 4 के 4, आपके 7 के 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा 4s इनटू s प्लस 1, तो 7.9 आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक बात होगी। अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है, हम कलर पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जो एफ ब्लॉक का जो आपका स्पेक्ट्रा आता है ना, उसमें क्या आता है, शार्प पीक आता है, ठीक है फ्रेंड्स, और डी ब्लॉक में आता है ब्रॉड पीक। तो ऐसा क्या क्यों होता है फ्रेंड्स, क्योंकि एफ ऑर्बिटल्स डीपली सीटेड होता है, तो नो मतलब बहुत लेस या मतलब नेग्लेजिबल इंटरेक्शन होता है लिगेंड से, तो नेग्लेजिबल इंटरेक्शन होगा तो आपका पीक शार्प आएगा, एज कम्पेयर टू डी इलेक्ट्रॉन्स। डी ऑर्बिटल्स में क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इतना ज्यादा डीपली सीटेड नहीं होते, तो इंटरेक्शन विद लिगेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं, इस वजह से उनका उनका जो स्पेक्ट्रा आता है वो ब्रॉड आता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मैंने यहाँ भी लिखा है, एफ ऑर्बिटल्स डीपली सीटेड होते हैं, तो क्या होता है, लेस अफेक्टेड बाय लिगेंड फील्ड, ठीक है फ्रेंड्स। और डी और डी ब्लॉक में जो क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, क्विंस्ड होते हैं, मतलब क्विंस्ड होते हैं, इसलिए वो लेस, इसलिए मोर अफेक्टेड बाय लिगेंड फील्ड, ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली ये पता लगा कि इट हैज फाउंड दैट द कलर ऑफ द लेंथेनोइड, जो कलर आ रहा है ना लेंथेनोइड एलिमेंट्स में, वो ड्यू टू मेटल आयंस के कारण आ रहा है, ना कि लिगेंड्स के, लिगेंड इफेक्ट, क्योंकि लिगेंड्स के साथ तो इंटरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए मेटल आयंस की वजह से इसमें कलर आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, एफएफ ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एफएफ ट्रांजिशन हो रहा है या डी, ठीक है फ्रेंड्स, एफएफ ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक। तो क्या होता है, अगर मैं इसको कंपेरिजन करूँ, एक मैंने एफ एन ले लिया और एफ एन एफ 14-N ले लिया, तो क्या होगा, इसका लगभग सिमिलर कलर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे यही लाके प्यार ना दिया, पम्मी सम्मी यूं गुदगुदाई, ठीक है, गुदगुदाई तक लिख लिया, फिर 49 यानी गुदगुदाई तब दिया होकर इंजीनियर तुम्हारा यब्लू, ठीक है फ्रेंड्स। प्लस 3 में है सबके सब, एफ 0 एफ 1 एफ 2 एफ 3 एफ 7, ठीक हो गया, एफ 7 एफ ये। तो अब देखो क्या करना है, जो लेंथेनम का होगा प्लस 3 में वो कलरलेस होगा, ल्यूटिशियम में भी कलरलेस होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो एफ एन का कलर होगा वो एज सिमिलर एज एफ 14-N, ठीक फ्रेंड्स। तो सीरियम भी कलरलेस है, तो यब्लू भी यानी यट्रीबियम भी कलरलेस है। अब क्या है, प्रोसियोडाइमियम का अगर ग्रीन कलर है तो आपका थूलियम का पेल ग्रीन होगा, ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब आपका अगर नियोडाइमियम का अगर लाइलैक है तो इसका पिंक होगा, इरिबियम का। प्रोमीथियम का अगर आपका पिंक है तो होलमियम का क्या हो जाएगा, पेल पिंक हो गया, मतलब लगभग सिमिलर, ठीक फ्रेंड्स। समेरियम का अगर येल्लो है तो डिस्प्रोशियम का पेल येल्लो हो जाएगा, यूरोपियम का पेल पिंक है तो टर्बियम का भी पेल पिंक होगा, अगर गैडोलिनियम का नहीं होता, एफ सेवन होता, ठीक। ये हमने कुछ स्टडी कुछ देखा कि उसका कलर में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब कहानी ये शुरू होती है कि ऑल्दो
ऑल्दो जो लेंथेनोइड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो लेस इंटरेक्ट करते हैं विद लिगेंड, बट ड्यू टू दियर लार्ज साइज. अब लार्ज साइज होता है तो क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना वो हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. और इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर की कॉम्प्लेक्स की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से स्टार्ट होती है और 12 तक जाती है. तो मतलब मेनली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 टू 12 तक बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि लार्ज साइज हो जाता है. ठीक, अब हमें बताया देयरफॉर एफ ब्लॉक आर आयनिक होते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, एफ ब्लॉक आयनिक होते हैं क्योंकि वो इंटरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है लिगेंड के साथ. तो क्या होता है, एनायनिक लिगेंड्स के साथ रिएक्शन करते हैं. एनायनिक लिगेंड कौन कौन से हो गए, जैसे आपका एसिटाइल एसिटोनेट हो गया, आपका डीएमजी हो गया, डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइम हो गया, ठीक फ्रेंड्स, और ग्लाइसिन हो गया और डीएमजी. ठीक, तो ये क्या करते हैं, एफ ब्लॉक के साथ, एफ ब्लॉक आयनिक होते हैं तो एनायनिक के साथ रिएक्शन करते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का एनायनिक कंपाउंड बनाते हैं. ठीक, अब दूसरी बात खास इंपॉर्टेंट वाली है. अब जैसे हमने पढ़ा था सीजियम, तो सीजियम क्या होता है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है. तो अगर हम अब जब नेम रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो सीजियम होता है उसको लुच्चे रिएजेंट भी कहते हैं. सीरियम CeCl3+NaBH4, तो CeCl3+ सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको लुच्चे रिएजेंट भी कहते हैं. ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, सिलेक्टिव रिडक्शन करता है. ठीक, क्योंकि SC या जो सीरियम होता है ना वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो रिड्यूसिंग एजेंट का की तरह वर्क करता है. रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं फ्रेंड्स, टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन. तो C+3 से +4 में कन्वर्ट हो जाता है, खुद का ऑक्सीडेशन कर लेता है और रिड्यूसिंग एजेंट, ये सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन सिलेक्टिव रिडक्शन करता है. तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक साइक्लोपेंटेन है, उसमें एक जगह मैंने कीटोन लगाया और दूसरी जगह मैंने एल्डिहाइड लगाया और लुच्चे रिएजेंट डाल दिया मैंने CeCl3+ सोडियम बोरोहाइड्राइड. अब क्या होगा, सिलेक्टिव रिडक्शन करेगा, कीटोन का रिडक्शन कर देगा, एल्डिहाइड को नहीं छुपेगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड डिग्री का अल्कोहल बन जाएगा. और यही फ्रेंड्स, यही सेम क्वेश्चन मतलब इसी से रिलेटेड लुच्चे रिएजेंट पे अभी आया था लेटेस्ट PIFR में 2018 में. कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा था, एक ही मॉलिक्यूल दे रखा था, उसमें लुच्चे रिएजेंट डाला था और आंसर पूछा था कि क्या होगा, मतलब कौन सा रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका एफ ब्लॉक का लेंथेनॉइड कंप्लीट हो गया है. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब स्टार्ट करते हैं हम एक्टिनॉइड. ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्टिनॉइड फिर वही कहानी शुरू होती है कि इनका एलिमेंट्स की सीरीज का कोई ट्रिक, तो वो ट्रिक मेरे पास है. ठीक है फ्रेंड्स, ट्रिक है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और मुसीबत. ठीक है फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहले ट्रिक्स देख लेते हैं कि क्या ट्रिक है. तो फ्रेंड्स क्या है, AC था पड़ा उनपे पुरानी अमेरिकन कंपनी का. ठीक है, AC था पड़ा उनपे पुरानी अमेरिकन कंपनी का. बाकी सीलिंग फैन ऐसी फैमिली मिडिल क्लास नो लड़की राजी. ठीक, कुछ भी मतलब ये बनाई है मैंने. अब मैं आपको हर एक एलिमेंट का बताऊंगा कि उससे क्या रिलेटेड है, रिलेशन है, पहले देखे फिर उसके बाद देख लेते हैं एलिमेंट्स देख लेते हैं. तो क्या हो गया, एक्टिनाइड है, थोरियम है, प्रोटेक्टिनियम है, यूरेनियम है फ्रेंड्स, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमरीशियम है फ्रेंड्स, क्या है, सीरियम है, क्यूरियम है, बर्क्यूरियम है, कैलिफोर्नियम है, आइंस्टीनियम है, फर्मियम है, मेंडेलीवियम है और नॉलिबियम है और आपका लॉरेंशियम है. ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ये हो गया. अब देख लेते हैं कि कौन सा मैंने जो ट्रिक बनाई है, कौन सा किसके सामने एलिमेंट्स है. तो क्या है, एसी का मतलब एक्टिनाइट, था थोरियम, पड़ा प्रोटेक्टिनियम, यू यूरेनियम, नपे यानी उनपे नेपच्यूनियम, पुरानी PU है, अमेरिकन अमरीशियम है, कंपनी CM है, का कुछ नहीं है, बाकी बर्क्यूरियम है, CF मतलब सीलिंग फैन. ठीक है, AC या आइंस्टीनियम है, फैमिली क्या है, फैमिलियम है, और मिडल यानी मेंडेलीवियम है. ठीक है फ्रेंड्स, NO नॉलबियम है और लड़की LR है. ठीक, ये तो हो गया इनका मतलब एलिमेंट्स का कि किस तरीके से आपको याद करने, मैंने ट्रिक बता दिया आपको. अब वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वही बात, तो फ्रेंड्स अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है. जैसे लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स में होता था एनर्जी गैप कम, बहुत कम था 4F और 5D का. इसमें क्या होता है, आपका 5F, 6D और 7S में बहुत एनर्जी गैप कम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करती रहती है स्पेशली इन लाइटर एलिमेंट्स की. तो फिर भी मैं आपको जनरली बता देता हूँ कैसे करना है फ्रेंड्स. 7S में तो पहले भर दो सबके सब दो. ठीक, 5F और 6D की कहानी स्टार्ट होती है. 5F और 6D में 1-1 भरा है तो इसको भर दो यहां तक, प्लूटोनियम तक D1 में भर दो और बाकी भरते जाओ जो भरे जा रहे हैं. अब फिर अगली जो एमस्टर्डम से है ना,
अमरीशियम से कहानी शुरू होती है कि डी जीरो हो जाएगा, एफ सेवन में बना जाएगा, ठीक है, फिर अगला फिर डी वन में जाएगा, फिर एफ सेवन, फिर वही, फिर जो कहानी है, फिर वो लेंथ इनवर्ट की तरह कि डी जीरो होगा, एफ फाइव एफ में भरते जाओगे और लास्ट में क्या हो जाएगा, लॉरेंशियम में डी वन में भर दोगे 5f14, ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गई। और सेकेंड थिंग आती है कि इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, जैसे लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स की थी, ठीक हो गया, बट बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, बट इन जनरल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज कंसिडरेबल, हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट थिंग आती है, अगर मैं कंपेरिजन करता हूँ फ्रेंड्स, इसमें एक बात और देख लो, अब मैंने क्या लिखा है, एक्टिनियम थोरियम प्रोटेक्टिनियम यूरेनियम को मैंने आपका लिखा है पिंक पेन से और ये लिखे हैं ग्रीन पेन से, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, आप देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स इसके नीचे यूरेनियम से के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक के, आपके सारे मैनमेड है, मतलब कोई भी नेचुरल नहीं है, सारे के सारे मैनमेड कंपाउंड्स मैनमेड एलिमेंट्स है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। और एक बात और, जो प्लूटोनियम है ना फ्रेंड्स, प्लूटोनियम मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट्स है, इन अवर पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा प्लूटोनियम मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट्स है, ठीक, ये बात होगी। और फ्रेंड्स हमने एक्टिनॉइड की सीरीज पढ़ ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, सीरीज याद करने का तरीका बता दिया, आप देखते हैं अब मैं कंपैरिजन करता हूं, जैसे मैं डी ब्लॉक में कंपैरिजन करना चाहता हूं 3D 4D और 5D से, मैं डाउन दी ग्रुप नीचे जा रहा हूं, तो फ्रेंड्स क्या हो रहा है, आपका साइज बढ़ रहा है, डी ऑर्बिटल्स का भी साइज बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, साइज ऑफ डी मतलब डी ऑर्बिटल, साइज ऑफ डी के जितने भी इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, इंटरेक्शन ऑफ मेटल विद लिगेंड क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो इंटरेक्शन जितना इंक्रीज होगा उतना डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, डेल्टा की वैल्यू मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एबिलिटी बढ़ रही है। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ 4f और 5f का, अब क्या हो रहा है, यहां भी साइज ऑफ एफ ऑर्बिटल इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ एफ ऑर्बिटल इंक्रीज होने का मतलब, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि एनर्जी गैप बहुत कम है तो साइज भी बढ़ रहा है, तो एनर्जी गैप 5f 6s, आपका 5f 6d और 7s का एनर्जी गैप कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, एफ ऑर्बिटल्स जितना बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटरेक्शन ऑफ मेटल टू लिगेंड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्टिनाइड सीरीज में, तो क्या होगा, इंटरेक्शन ऑफ मेटल टू लिगेंड इंक्रीज होगा, तो क्या हो जाएगा, CFA बढ़ जाएगी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की इन एक्टिनाइड सीरीज में, क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्मेशन एबिलिटी, जो CFA मैंने लिखी है, क्रिस्टल फॉर्मेशन एबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, देयरफॉर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो मोर कोवेलेंट हो जाएगी एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, ठीक हो गया फ्रेंड्स, एक्टिनॉइड में। तो अब क्या होगा, जनरली शोस क्या हो जाएंगे, मेटल मतलब कोई और लिगेंड आएगा उसके साथ, क्या हो जाएंगे, मेटल ऑक्सो बॉन्ड शो करने लग जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मेटल ऑक्सो बॉन्ड शो करने लग जाते हैं आपके एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स। तो देखते हैं क्या होता है, जैसे यूरेनियम है UO2+ बना देगा, UO2+ बना देगा, अमरीशियम 2 AmO2+ बना देगा, तो ये क्या हो जाते हैं, सारे लीनियर या क्वाशी लीनियर एलिमेंट्स शो करने लग जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्वाशी लीनियर या लीनियर एलिमेंट हो जाते हैं, ठीक, लीनियर कंपाउंड बन जाता है। अब जैसे UO2+ की बात करता हूं, तो यूरेनियम +6 में आ जाएगा, अगर ये +6 में आ जाएगा फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा, F0 होने से क्या होगा फ्रेंड्स, ऑक्सीजन है, दो दो लोन पेयर आके क्या बना देगा, FD बन जाएगा या SD बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, या तो FD हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा या आपका DS या SD हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, मतलब लीनियर हाइब्रिडाइजेशन शो करने लगेंगे एक्टिनाइड एलिमेंट्स, ठीक, इतनी बात। तो ये बात होगी एक्टिनाइड्स की। अब एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं फ्रेंड्स, अब देखो क्या हो रहा है, मेटल और लिगेंड की का इंटरेक्शन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मेटल ऑक्सो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब मैं स्टेबिलिटी चेक कर देता हूं, जैसे यूरेनियम UO2+, फिर मैंने अगला कंपाउंड लिया नेपच्यूनियम O2+, फिर प्लूटोनियम ले लिया, फिर मैंने अमरीशियम O2+ ले लिया, तो क्या हो रहा है, अगर मैं इधर से जाता हूं तो क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से साइज ऑफ मेटल बढ़ रहा है, तो साइज ऑफ मेटल बढ़ने से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक हो गया फ्रेंड्स, इनका ये कंपैरिजन हो गया। तो फ्रेंड्स दैट्स इट फ्रॉम द लेंथेनॉइड सीरीज, आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट मैंने खत्म कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना और जितना हो सके शेयर करना, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।